हरी भक्तों को मेरा प्रणाम। पांच ऐसी स्थान जहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं हंसना चाहिए, अर्थात मौन अवस्था में रहना बहुत आवश्यक है भक्तों, क्योंकि ऐसी जगह आपका बोलना और ऐसा हंसी मजाक करना, उनके सामने, उन लोगों के सामने दुर्व्यवहार होगा जिन लोगों पर ऐसी बीती हुई है, अर्थात उनके साथ कुछ ना कुछ घटित हुआ हुआ ऐसा, जिन पर आप मजाक उड़ा रहे हो, उनके उन पर हंसी उड़ा रहे हो, तो भक्तों ऐसे स्थानों पर आपको बोलना और अधिकतर हंसना, हंसी मजाक, काफ़ी किशोर अवस्था में बच्चे, कोई हंसी मजाक चंचल मन वाले लोग ऐसी गलतियां ज़रूर कर देते हैं, मगर वे अपने भविष्य में और अपने व्यवहारिक जीवन में ये ध्यान रखें कि ऐसा करना बहुत ही अनुचित है और ऐसी जगह हंसना व्यर्थ है, किसी भी काम का नहीं, क्योंकि ऐसी घटना आपके घर में भी ना कभी हो सकती है। तो भक्तों आखिरकार वो जगह है कौन सी, वो पांच स्थल है कौन से जहाँ पर इतना करोड़ों पापों के बराबर हंसना व्यर्थ यानी वर्जित होता है, वहाँ पर करोड़ पाप लगते हैं, वहाँ पर अगर आप वैसे गलती से भी हंस जाते हैं या फिर उस चीज़ का अनादर कर देते हैं, तो भक्तों उनमें से सर्वप्रथम तो आता है कि एक तो आपको शमशान स्थल पर, अर्थात शमशान स्थल पर कभी भी आपको हंसना नहीं चाहिए, यह आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि शमशान स्थल पर आप कभी भी हंसी मजाक ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना कीजिए। दूसरा है कि आप अर्थी ले जाते समय आप जब भी कंधा दे रहे हैं तब भी आपके दांत नहीं दिखने चाहिए, हंसी मजाक नहीं करना चाहिए वहाँ पर उस कंडीशन में। मंदिर जा रहे हो, मंदिर में प्रार्थना कर रहे हो, तो आप वहाँ पर इतना भी ना हंसे कि लोग परेशान हो जाए, वहाँ बिल्कुल नहीं हंसना चाहिए। और एक है कि कथा करते समय आप उधर तो कोई कथा सुना रहे हो, आप इधर दांत दिखा रहे हो, हंस रहे हो काफ़ी दूर से। और तीसरा है कि किसी के शोक में, यानी कोई शांत हो गया और वहाँ पर आप कुछ ना कुछ हंसी मजाक कर रहे हो, तो ऐसी जगह बिल्कुल भी नहीं हंसना चाहिए। तो भक्तों ये ऐसे स्थल है जहाँ पर आपको हंसना नहीं चाहिए, अर्थात शमशान में देखिए बिल्कुल भी हंसी मजाक नहीं होना चाहिए, अर्थात आप जाए 2-3 घंटे का वहाँ होता है जो भी प्रोग्राम रहता है, मगर वहाँ पर जाके और वैसे ही आ जाए जैसे गए थे, मगर वैसे ही हंसी मजाक ना करें जिससे कि दूसरों को, उनके परिवार को देख के बुरा लगे। दूसरा है अर्थी ले जाते समय, ये तो आपको पता ही होगा कि ऐसी जगह पे कुछ होता नहीं है हंसी मजाक। तीसरा है शोक अवस्था में, अर्थात किसी घर में मौत हो चुकी है और आप वहाँ पर शोक में गए हो और आपके दोस्त आ रखे और आप हंसी मजाक में यहाँ हाँ खिलखिला के मिल रहे हो काफ़ी समय बाद, वो आप हंसी हंसी में वो बातें टाल आप भूल जाते हो कि आप किस जगह आ रखे। और चौथा है मंदिर में, ये ध्यान रखिए कि आप मंदिर में जब भी जाते हैं, मैंने काफ़ी भक्तों को ऐसे देखा है मंदिर में जाते तो ऐसे है कि वो भगवान उनके साथ एकदम फ्रेंडली रहते हैं, दोस्त की तरह है, ये यार ये तो अपनी बात मान जाएगा, अपन जो भी मांगेंगे, ऐसे कुछ भक्त होते हैं। मगर ऐसा आप थोड़ा सोचना आपके दिमाग से निकाल दीजिए कि ऐसी जगह आपको व्यर्थ हंसना शोभा नहीं देता और अपना आपको पहचानने में जितनी आप गलती करते हैं ना उतना कोई और नहीं कर सकता। आप अपने बारे में इतना अच्छा सोचते हैं कि मैं तो इतना अच्छा हूँ, मैं यानी आपके अंदर अहम बहुत भरा हुआ है, ये वर्तमान समय की सच्चाई है। अगर आपको ऐसा झूठ लगता है तो आप आईने के सामने खड़ा होकर अपना मार्गदर्शन करें और अंतर्यत्न मनन करें, तो आपको पूरा आपके सामने आपकी समय सारणी और वो पूरे एक एक पॉइंट आ जाएंगे कि आप में कमी कितनी है। तीसरा है कथा करते समय, पांचवा है आखिरी की कथा करते समय। देखिए कथा करते समय आपको मौन रहना चाहिए और कथा का मनन करना चाहिए। और हमारे यहाँ पर होता है क्या कि कभी कोई कथा कर रहा है, सत्संग चल रही है, तो हाँ हुकारा भरते हैं, यानी हाँ हाँ उनकी बातों में हाँ मिलाते हैं कि ऐसी घटना हुई थी, हाँ ठीक है, ये ऐसी चीज़ें होती है, और वहाँ पर हंसना बिल्कुल नहीं चाहिए। कथा को आप सुनिए कि उसमें क्या है, यानी कथा के अंदर होता है अमृत जो आपको लेना चाहिए, अर्थात वो अमृत को वो आपको कथावाचक देते हैं, आप हंसी मजाक में टालते हैं। तो भक्तों ऐसी चीज़ों को आप ध्यान रखें, ये पांच जगह है, पांच स्थल है जिनका आप बहुत ध्यान रखना चाहिए। वहाँ यहाँ पर बिल्कुल भी हंसी मजाक आपका व्यर्थ जाता है, किसी भी मतलब का नहीं रहता है। वर्तमान समय आप जानते हैं कितना ऐसा समय आ चुका है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आजकल लोग
बिल्कुल अपने मन को नहीं बस में कर पा रहे हैं और कुछ ना कुछ ऐसे घटित कर देते हैं। तो वर्तमान समय में अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को जितना हो सके बचाए रखें, अपना आने वाली पीढ़ी के लिए उतना ही सुलभ रहेगा। वरना अपना आने वाली पीढ़ी हमारे बुढ़ापे यानी हमारे बुढ़ापे को दुर्लभ कर देगी, यानी जीना दुश्वार कर देंगे अगली वाली पीढ़ी जो भी आने वाली। क्यों? क्योंकि जब तक आप उनमें संस्कारों का बीज नहीं बोओगे, जब तक आपको ना तो वैसा फल मिलेगा, ना तो आप उनसे कोई आशा करोगे कि ये मेरे लिए कुछ कर सकता है। तो वक्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और चैनल को वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय सियाराम, आपका सहयोगी। तो मिलते हैं वक्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय सियाराम।